हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इन्फ्लेशन टॉपिक ले रखा है और आज भी अपन 10 एमसीक्यू देखेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। पहला वाला डिटेल वीडियो आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन 11 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत है? तो हमें पता है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, उसमें तो आपके प्राइजेस जाते हैं ऊपर, प्राइजेस ऊपर जाते हैं और आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो जाती है। इसके ठीक उल्टा होता है अवस्फीति में, डिफ्लेशन में इसका ठीक उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन में प्राइस जाते हैं ऊपर, तो डिफ्लेशन में प्राइस जाते हैं नीचे और आपकी परचेजिंग पावर रुपए की बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन का ठीक रिवर्सल होता है, डिफ्लेशन अवस्फीति कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, ये आप इसका थोड़ी सी आएगी थ्योरी, वो आप देख लीजिएगा। मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं पैसे पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, वेल, और पिछले वीडियो में भी हमने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया था। व्हेन टू मैनी फंड्स आर हंटिंग डाउन टू फ्यू गुड्स द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिकग्नाइज्ड एज। जब बहुत सारा धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा होता है तो मुद्रास्फीति के संभावित परिणाम को डैश डैश के रूप में पहचाना जाता है। वेल, अगर वस्तुएं बहुत कम हैं, वस्तुएं बहुत कम हैं और बहुत सारा रुपया, बहुत सारा डॉलर उनको चेज कर रहा है, यानी वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग पैसे ले लेके दौड़ रहे हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए, वस्तुओं की सप्लाई शॉर्टेज में है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्रिएट होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वस्तुएं महंगी हो जाएंगी क्योंकि वस्तुएं भाव खाएंगी, सप्लाई शॉर्टेज है तो, और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन रहेगा, मांग प्रेरित स्फीति क्रिएट होती है जब ऐसी स्थिति रहती है तो। ठीक है, चलिए, मैं अभी आज एक्स्ट्रा वाली स्लाइड्स नहीं देख रहा हूँ, वो वैसे ही आपको सारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। वंस द सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इज कंटिन्यूड टू इंक्रीज बाय द आरबीआई दिस विल। कहता है, एक बार जब आरबीआई द्वारा रोकड़ संचय अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है तो ऑप्शंस आप पढ़ ही लेंगे, अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा आएगा, धन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धन की आपूर्ति में कमी हो जाएगी। तो आपको पहले समझना होगा कि सीआरआर होता क्या है। सीआरआर समझिए, वो कैश राशि है जो एक बैंक को आरबीआई के पास रखवानी पड़ेगी। तो ये बैंक है और ये आरबीआई है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि सीआरआर मान लीजिए 5% है, तो इसका मतलब है बैंक को 5 रुपये, 100 में से 5 रुपये आरबीआई के पास जमा कराने होंगे और बाकी 95 रुपये को वो उधार देने में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एक एसएलआर भी मेंटेन करना होता है, पर थोड़ी देर उसको इग्नोर करें तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सीआरआर 5% है तो 5 रुपये कमर्शियल बैंक यानी हर बैंक आरबीआई के पास रखाएगा, 95 रुपये वो उधार दे सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीआरआर बढ़ा के 10% कर दिया जाए, तो उसका मतलब है बैंक आरबीआई के पास 10 रुपये रखवाने होंगे और केवल 90 रुपये ही वो अर्थव्यवस्था में लोगों को उधार दे पाएगा। तो क्या समझे कि जब सीआरआर बढ़ा दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में धन की कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा चला जाएगा तो अर्थव्यवस्था में उधार देने के लिए या साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन के लिए कम पैसा अवेलेबल होगा। तो ये बात सही है कि जब सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम हो जाएगी, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द मनी ऑफ द इकोनॉमी। सी इसका आंसर होगा। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे विद फुल डिटेल्ड होंगे, आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द मिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन इज कॉल्ड। इन्फ्लेशन तो आप समझते हैं, वस्तुएं महंगी हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और स्टैग्नेशन मतलब होता है अर्थव्यवस्था में ठहराव आ जाए। तो अगर ये हो जाएगा तो जो स्थिति बनेगी उसको बोलेंगे स्टैग्नेशन, एंड इन्फ्लेशन का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये बहुत ईजी है, देखो एक वर्ड है, इसको आप समझ रहे हैं स्टैग्नेशन, ठीक है, और एक वर्ड है इन्फ्लेशन।
ठीक है। तो इन दोनों से जो बनता है वो बनता है आपका डी वाला क्रिएशन, स्टैगफ्लेशन। इसको बोलते हैं गतिहीन स्फीति। इसको आप एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। इससे क्या होगा, ऐसे समय में महंगाई बढ़ती जा रही है, वस्तुएं बढ़ती जाएगी, लेकिन धंधा या रोजगार वो नीचे जा रहा है। मतलब रोजगार रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। होना वैसे चाहिए कि जब वस्तुएं महंगी हो, अर्थव्यवस्था में तेजी का माहौल हो, तो रोजगार भी ज़्यादा मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। आप समझिएगा वापस, प्राइजेस क्या हो रहे हैं, प्राइजेस जा रहे हैं ऊपर, बेरोजगारी क्या जा रही है ऊपर, रोजगार और धंधे जा रहे हैं नीचे, पूरी अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है। तो एक तरह से अर्थव्यवस्था फंस गई, यानी ग्राहक है नहीं, ग्राहक है नहीं। और बाय द वे, ग्राहक अगर बाजार में जा रहा है तो उसको वस्तु महंगी मिल रही है। तो ये स्थिति कहलाती है आपकी स्टैगफ्लेशन, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अगला देखते हैं। एक बार जब केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के संदर्भ में किसी मुद्रा के मूल्य में कटौती करती है तो ये घटना कहलाती है। तो अगर कोई कंट्री अपना जो मुद्रा का बाह्य मूल्य है उसमें कमी कर देता है, अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, खास करके अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, आप अपने मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देते हो, तो इसे अवमूल्यन कहते हैं, इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि $1 चल रहा है, मान लेते हैं 50 रुपये, इतना चल नहीं रहा बट मान लेते हैं $1 चल रहा है 50 रुपये, और अगर अवमूल्यन कर दिया जाए और $1 बराबर 100 रुपये हो जाए, आप कहेंगे सर ये तो बढ़ गया। बढ़ गया नहीं, रुपया कमज़ोर हो गया। क्योंकि रुपया कमज़ोर कैसे हो गया, पहले $1 ₹50 की वस्तुएं खरीद पाता था, अब $1 ₹100 की वस्तुएं खरीद पा रहा है। तो आपका डॉलर मजबूत हो गया और रुपया कमज़ोर हो गया, और ये अगर हमने जानबूझ के किया है तो इसे कहेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई मशीन $100 की थी तो पहले $100 की मशीन के लिए ₹5,000 देने पड़ते थे, अब उसी $100 की मशीन के लिए आपको ₹10,000 देने पड़ेंगे। यानी इससे आयातों में कमी आएगी, क्योंकि आयातक के लिए आयात महंगे हो जाएंगे, उसे उसी वस्तु के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा रुपया देने पड़ेंगे, यानी आयात में कमी आएगी। इसी तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले अगर $100 की वस्तु बेचते थे तो ₹5,000 मिलते थे एक्सपोर्टर को, अब वही $100 की वस्तु देने से उसे ₹10,000 मिल पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसानी नहीं है, आसान नहीं है। इसके बाद इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। अभी के लिए समाचार ये है कि मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के संदर्भ में अपने रुपए के मूल्य में कमी कर लेता है। भारत में ऐसा 3 बार हो चुका है, 3 अलग अलग वर्षों में कुल 4 बार हो चुका है, ठीक है। आज़ादी के समय हुआ था, 1966 में हुआ था, और फिर 1991 में हुआ था, तो और 91 में 2 बार हुआ था। तो कुल 3 वर्षों में 4 दफ़ा मुद्रा का अवमूल्यन कर चुके हैं हम। आज आपको स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही होगी, इसके 2 रीज़न है। एक तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, और पिछला वीडियो मैंने काफ़ी बहुत स्लो स्पीड से बना दिया था, तो उसको भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश है। एक ये भी बात है कि हमारे कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोज़ में क्लियर हो गए होंगे, तो इसलिए भी जल्दी जल्दी है, तो बहुत रीज़न है। खैर, 16 में है, डैश डैश ट्राई टू कंपेयर इन्फ्लेशन टू रॉबर्स। किसी विद्वान ने कहा है कि मुद्रास्फीति की तुलना उन्होंने लुटेरों से की है। कि मुद्रास्फीति क्या है, लुटेरे, लुटेरे क्या करते हैं, वो हमारा धन छीन लेते हैं। वैसे ही महंगाई भी हमारा धन छीन लेती है। और ये बात किन्होंने कहा था, ये ऑप्शन है प्रोफेसर ब्रह्मांड एंड वकील प्रोफेसर की अमृत्य सेन, प्रोफेसर जगदीश भगवती। तो अमृत्य सेन वैसे नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि मुद्रास्फीति लुटेरों जैसी है, रॉबर्स जैसी है, ये बात प्रोफेसर ब्रह्मांड एंड वकील ने कही थी, इन्होंने इस बात को कहा था, ठीक है सर, याद रखेंगे, याद रखने जैसा ही है इसमें तो। खैर, गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डैश डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। एक सरकार मुद्रास्फीति को कम करने के लिए डैश डैश का सहारा लेती है। तो बात आई है कि सरकार क्या करती है, सरकार सरकारी खर्च में कटौती करती है, हाँ ये सही है, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी करती है, नहीं रेपो रेट में कटौती, इसमें तो सरकार का कोई सीन ही नहीं है, तो RBI का सीन है। तो सरकार जिसके पास राजकोषीय उपाय होते हैं, जिसके पास सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण जैसे उपाय होते हैं, तो सरकारी खर्च में कटौती करती है। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगी या विद्यमान प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा रोक देगी, तो क्या होगा, फंड अगर अर्थव्यवस्था में कम पंपअप होगा, अर्थव्यवस्था में अगर फंड कम पहुँचेगा, लोगों के हाथ में मुद्रा नहीं आएगी, तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मतलब जब पहले तो आपको समझना पड़ेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। जब लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा होता है, वो बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों की क्रय शक्ति या स्पेंडिंग पावर उनकी कम करनी पड़ेगी। और उसके लिए तरीका ये है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स को रोक दे, सरकारी खर्चों में कमी कर दे,
ताकि लोगों के हाथ में मुद्रा थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसका आंसर ए रहने वाला है, ये एक उपाय है आपके मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का। आपके बारे क्वेश्चन आप करेंगे, वेन एवर द मार्केट प्राइस ऑफ सर्विस एंड गुड्स आर गोइंग टू फॉल कंटिन्यूअसली दिस फिनोमिना इज नोन एज। जब भी सेवाओं और वस्तुओं की बाजार कीमतें लगातार गिर रही होती हैं, अगर लगातार बढ़ रही हैं तो वो तो है मुद्रास्फीति, और अगर लगातार गिर रही हैं तो वो है अवस्फीति, डिफ्लेशन। ठीक है, मैंने बहुत बार कहा है इस वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि कभी कभी प्राइजेस के ऊपर नीचे होने को वो प्राइस का फ्लक्चुएशन है, उसे आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं कहते। लेकिन वस्तुओं की कीमतें लगातार नीचे जा रही हों, ऐसा बहुत सालों में हमने कभी देखा ही नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि किसी वजह से वस्तुओं की कीमतें लगातार नीचे जा रही हैं, सर्विसेज बहुत सस्ती मिल रही हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती जा रही है, तो इसे डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, जब कीमतें घटती रहती है तो इसे अवस्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन टेक द मेजर्स ऑफ डैश डैश टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विद इन द कंट्री। अगर आरबीआई देश के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है तो वो क्या उपाय कर सकता है? ऋण की राशनिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक प्रगतिशील कर प्रणाली का परिचय, तो टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है ये आरबीआई का मैटर नहीं है, ये गवर्नमेंट का मैटर है। सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफे में सुधार करना, ये भी गवर्नमेंट का लुकआउट है। सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण करना, ये भी गवर्नमेंट का लुकआउट है। तो ये सब है ना, ये सारे फिस्कल मेजर्स हैं, ये सारे राजकीयोषी उपाय हैं जो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण से संबंधित मैटर या डिसीजन होते हैं उन पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वो सारे राजकोषीय उपाय कहलाते हैं। ऋण की जो राशनिंग होती है ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है। मौद्रिक नीति के अंदर हमें पता है, हमने फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी वाली में भी देखा था, मौद्रिक नीति के तहत आप क्या कर सकते हैं, कुछ होते हैं परिमाणात्मक उपाय, क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, और कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। तो ऋण की राशनिंग का कार्य डेफिनेट डेफिनेट आरबीआई करता है। उसमें बैंक क्या करता है, बैंक आरबीआई क्या करेगा, लिमिट बांध देगा, या तो बैंकों की लिमिट बांध देगा कि आप जितने डिपॉजिट्स हैं उसका इतना परसेंट ही उधार दे सकते हो। मान लो उन्होंने बांध दिया कि आपकी जो डिपॉजिट्स हैं आप उसका 60% ही स्पेंड कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा वो लोन नहीं दे पाएंगे। या वो किसी सेक्टर का डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस सेक्टर के लिए मैक्सिमम इतना लोन ही दे सकते हो। तो साख की राशन, जैसे अपन राशन बांध देते हैं कि आपको 5 किलो ये मिलेगा, 2 किलो ये मिलेगा, वैसे ही आरबीआई बैंकों की टोटल जो लोन कैपेसिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, या सेक्टर वाइज रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, या आरबीआई ये कह सकता है कि हम आपके इतने अमाउंट के बिल ही डिस्काउंट करेंगे, इसके बाद हम बिल की डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ करके अपन एक लिमिट सेट कर सकते हैं, और अगर जब आरबीआई ऐसा करता है तो उसे साख की राशनिंग कहते हैं, और ये कहें मॉनिटरी उपाय है, और मॉनिटरी उपाय के अंदर भी ये क्वालिटेटिव उपाय है। ठीक है, चलिए ओके। ये वह आता अपने वैसे फिस्कल और उस वाली पॉलिसी में देखी थी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ नीचे आपको डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेरीज डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनवर्सली विद द प्राइस लेवल, डायरेक्टली विद द इंटरेस्ट रेट, डायरेक्टली विद द प्राइस लेवल। तो आपको बताना है इसमें सही क्या है। तो देखो मैं आपको सिंपल पहले बता दूँ सही क्या है। सही यह है कि प्राइस अगर बढ़ेंगे तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो घटेगा। तो ये रिवर्स प्रोपोर्शनेट होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनेट होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, नहीं। ऑब्वियसली बात है, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बात किया था कि परचेजिंग पावर क्या होता है, खरीद पाने की क्षमता। अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब होता है रुपए की क्रय शक्ति में कमी आ रही है। तो इन दोनों में कैसा होता है, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो मनी का जो परचेजिंग पावर होता है और वस्तुओं को जो कीमतें होती है उसमें विपरीत संबंध होता है, इसका इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनेट विद द प्राइस लेवल। ये आप इसको याद कीजिएगा, बहुत तेज स्पीड से मैंने ये वीडियो बनाया। नॉर्मली जो पढ़ते आ रहे हैं उनसे, उनको पता है कि मैं बहुत धीरे धीरे बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने जल्दी पढ़ाया है। होप फिर भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपने कमेंट दीजिएगा कि क्या आगे भी मैं वीडियो इसी तरह से बनाऊँ या पुराना स्टाइल ठीक है, बताइएगा। चलिए बाय।